हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बाइक का रिव्यू आपको देने जा रहे हैं, जिसका नाम है GR 150। दरअसल ये सुजुकी की बाइक है, बहुत ही कमाल की बाइक है। इसके अंदर हम इसके पार्ट्स, इसके कलर्स और इसका कम्प्लीट रिव्यू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये बाइक है जी GR 150 सुजुकी की। ये बाइक है, सबसे पहले आप इसकी साइड लुक देख सकते हैं। साइड लुक से ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बाइक लग रही है। तो आप इसकी दूसरी साइड भी देख सकते हैं, दूसरी साइड से भी ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, और फ्रंट साइड भी इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और बैक साइड से तो इस बाइक की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी ग्रेस लगती है। पहले इस बाइक की राइट साइड की बारे में बात करते हैं कि हमें राइट साइड पर किस किस चीज़ के हमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड पर हमें किक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ी बात कि इसके टायर में अलॉय रिम हमें देखने को मिल जाती हैं। अलॉय रिम की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। डिस्क ब्रेक इसके अंदर इन्होंने इंस्टॉल की है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा नरम है। और इसके सलेंसर के ऊपर हमें पथरी मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। अब बात करते हैं जी इसकी लेफ़्ट साइड के बारे में। लेफ़्ट साइड पर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमाल के फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, और इस बाइक इस साइड पे हमें गियर देखने को मिल जाते हैं, और इसी साइड पर इसके बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसका चैन कवर इन्होंने इस बार इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इन्होंने दी है, और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फुट रेस्ट इन्होंने दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और इंजन इसका 150 cc है, GR 150, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी माइलेज ये हमें प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं जी इसके टैंक के बारे में, कि टैंक के अंदर हम कितना पेट्रोल इसके अंदर हम एक टाइम में डलवा सकते हैं। तकरीबन 14-15 लीटर पेट्रोल इसके अंदर आसानी से डल सकता है, क्योंकि इसके ये टैंक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और इसके ऊपर ही स्टिकर हमें देखने को मिल जाता है। स्टिकर के ऊपर हमें सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है, और इसके नीचे स्टिकर की फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी की गई है। इस बार ब्लैक कलर के ऊपर रेड कलर का स्टिकर बहुत ही ज़्यादा कमाल का लुक हमें देखने को मिल जाता है। तो इसके ऊपर हमें इसके पेट्रोल टैंक का हमें ये कवर देखने को मिल जाता है। कवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके ऊपर इसके अंदर आप एक बार की इसको डाल के सिंपली आप इसको घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और इसी तरह से ये लॉक भी हो जाएगा। बात करते हैं जी इसकी फ्रंट साइड के बारे में। फ्रंट साइड से आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट इन्होंने इस बार दी गई है। इसके ऊपर हमें एक बहुत ही कमाल की LED लाइट हमें देखने को मिल जाती है, जिसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसके एंड ऊपर आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर आपको प्लास्टिक की फिनिशिंग वाला मीटर का कवर देखने को मिल जाता है, और इसकी साइड पर आपको दो इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसकी साइड इन्होंने रबड़ की बनाई हुई है, और इसके बहुत ही ज़्यादा कमाल की लाइट ये आपको दिन में और रात में ये आपको अवेलेबल कर देता है, और इसके नीचे आपको शॉक देखने को मिल जाते हैं। शॉक भी बहुत ही ज़्यादा नरम है इस बाइक के। शॉक नरम होने से ये होता है कि आपको कोई भी मामूली सा जंप आपको नहीं लगता। अब बात करते हैं जी GR 150 cc बाइक के मीटर के बारे में। मीटर बहुत ही ज़्यादा कमाल का इस बार इन्होंने दिया गया है, जिसके ऊपर हमें RPM मीटर भी हमें देखने को मिल जाता है। इसकी टॉप स्पीड 160 km/h है, और यहाँ पर इसके साइड पर हमें सुजुकी का बहुत ही ज़्यादा कमाल का RPM मीटर देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर हमें फ्यूल का ऑप्शन भी हमें दिया गया है, कि हम जितना पेट्रोल डलवाते हैं हमें पता लग जाता है कि हमारी बाइक में अब फ्यूल लो होने वाला है, तो हम
उसको देख के आप, आपको निशानी के तौर पर आप देखकर उसको डलवा सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर कोई भी गियर आप लगाते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे आपको सेंटर में आपको उसका ऑप्शन भी दिया गया। इस बाइक के आपको चार गियर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप कोई भी गियर को आप लगाएंगे, कोई भी गियर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर, यहाँ पे आपको इंडिकेटर आपको मिल जाएगा कि आपने कौन सा गियर इस टाइम आपने लगाया हुआ है। अब बात करते हैं जी इसके टायर के बारे में। इसके अंदर हमें सर्वस का टायर हमें देखने को मिल जाता है जो कि 8 ply टायर है। बहुत ही कमाल की क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मटेरियल से ये बनाया गया है। और इसके अंदर हमें एक डिसेंट लुक हमें इसके अंदर हमें अलॉय रिम देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके साइडों पे आपको GR 150 और सुजुकी की बैंडिंग आपको देखने को मिल जाती है। और इसके शॉक की बात करेंगे, इसके शॉक बहुत ही ज़्यादा नरम है। अब बात करेंगे जी इसकी बैक साइड के बारे में। बैक साइड पर आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके ऊपर या आपको नीचे की तरफ आपको रेड लाइट देखने को मिल जाएगी, ये राइट नहीं है। अगर पीछे से किसी चीज़ की रोशनी आपके ऊपर पड़ती है तो ये आपको ये लाइट आपको ये आपकी ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसे कि मोटरवे पर आपको लाइटें आपको देखने को मिल जाती है कि हाँ अगर आपकी रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो लाइट ऑन हो जाती है। तो इसके इंडिकेटर की बात करेंगे, इसके इंडिकेटर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसके लाइट की बात करेंगे, लाइट की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसकी बैक लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बनाई गई हैं। और इसके ऊपर ये जो आपको कैरियर आपको देखने को मिल सकता है जिसके ऊपर आप पिकनिक बैग, इसके अंदर कोई भी सामान आप कैरी करके लेके जा सकते हैं अगर आपका सफ़र दूर है तो। बात करते हैं जी इस बाइक के कलर के बारे में कि पाकिस्तान की मार्केट में हमें इसके कौन कौन से कलर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला कलर है जी ब्लैक कलर। ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा कमाल का लुक देता है। और उसके बाद है जी रेड कलर। रेड कलर की तो यार अपनी ग्रेस है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का लुक देता है जब ये रोड पर चलता है तो। तो अब बात करते हैं जी इसकी प्राइस के बारे में। इसकी प्राइस पाकिस्तान में 2,90,000 की रेंज में आपको ये बाइक आपको पाकिस्तान की मार्केट में पड़ जाती है। आज की वीडियो में आप दोस्तों के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे ये होगा कि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आपको मिल जाएगी।